से जांच तेज कर दी गई है और इसके लिए एनआईए की 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ यूपी एटीएस भी पूछताछ कर रही है संदिग्धों से, क्योंकि जो साजिश रची गई ट्रेन को डिरेल करने की उसको लेकर के अब जांच तेज हो चुकी है और अब एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल जो हादसा होते होते चल गया, ट्रैक पर भरा सिलेंडर रख कर ट्रेन को उतारने की पूरी साजिश रची गई थी और समय रहा जिससे ये बड़ा हादसा टल गया और सूझबूझ के साथ, देखिए यहाँ पर पुलिस की टीम ने इस सिलेंडर को खाली करवाया, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन को ब्लास्ट करने की, उसको डिरेल करने की ये पूरी साजिश थी। इसके बाद एनआईए की जांच तेज हो चुकी है। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से रेल हादसों की संख्या बढ़ गई है, कभी ट्रेन डिरेल हो रही है तो कभी डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर में, जहां ट्रेन को पटरी से उतारने की नहीं बल्कि ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश सामने आई है। आखिर कौन है वो दुश्मन जो ट्रेनों को पलटाने, ब्लास्ट करने जैसी साजिश रच रहा है, इस रिपोर्ट में आपको बता दें। क्या देश में रेलवे के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे कराने की कोशिश की जा रही है? क्या रेल की पटरियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बढ़ती रेल विरोधी हादसों के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही? क्या ट्रेन हादसों के साजिश के पीछे आतंकवादी कनेक्शन? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 सितंबर की रात जो पुलिस को मिला उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अचानक रेल की पटरियों पर सिलेंडर, बोतल में पेट्रोल, लोहे की रॉड, लकड़ी के खंभे, एलॉय व्हील की रिम जैसी चीजें मिली तो जाहिर तौर पर आशंका बढ़ती है कि क्या देश में रेल हादसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना के पीछे भी आतंकी संगठनों का हाथ है। सवाल ये भी कि क्या देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए टारगेट ट्रेनों को किया जा रहा है। सवाल कई और भी है, लेकिन आप ये ऑडियो सुनिए जो पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्ला घोरी का है। कुछ दिन पहले ही इस पाकिस्तानी आतंकवादी ने ट्रेन को निशाना बनाने की तकरीर दी और अब कानपुर में यात्रियों से भरी ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निजाम को तबाह करना, हमलों नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इख्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। आतंकिस्तान में बैठा आतंकी घोरी प्रोपोगेंडा ऑडियो वायरल कर रेल जिहाद करने की तकरीर दे रहा है। उसकी भड़काऊ और नफरती बातों का ही नतीजा है कि कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर इतनी बड़ी साजिश रची गई, क्योंकि जिस तरह ट्रैक के पास सिलेंडर, माचिस, बारूद और पेट्रोल बरामद हुआ उससे आशंका तो यही जताई जा रही है कि एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी। निश्चित तौर पर साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये एक बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण करें। ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन, वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। निश्चित तौर पर यह साजिश है। पूरे मामले की जांच हो रही है, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ और छानबीन की जा रही है। इस पूरी घटना को लेकर कई एजेंसियां काम कर रही हैं। खासकर एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके लिए 5 लोगों की टीम का गठन किया गया है। कौन है जो रेल जिहाद के जरिए हिंदुस्तानियों की जान लेना चाहता है? क्या इसके पीछे आतंकी साजिश है? अगर होगी तो भी एटीएस से लेकर एनआईए इस मामले में तफ्तीश कर रही है। सच सामने आकर रहेगा, मगर सियासत भी जोर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडर्ड के अनुसार गिरिराज सिंह को नेता होगा। हम लोगों के हिसाब से
वो इस लायक भी नहीं है कि उसकी कही हुई किसी भी बात पे कोई प्रतिक्रिया भी दी जाए। राज्य का जो बयान है वो केवल केवल भारत सरकार, मोदी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है बल्कि एक साजिशी प्रयोग दिखाई पड़ता है। साजिश के आका कहाँ पर है उनके तह तक जाने की जरूरत है। ये वक्त सियासत का नहीं सावधानी का है। जो भी डिरेल की साजिश रच रहा है, चाहे उसके तार पाकिस्तान तक क्यों ना हो, गुत्थी सुलझाकर गुनहगारों को सलाखों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।